हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। अपन क्रॉप प्रोडक्शन फसल उत्पादन की बात कर रहे हैं और आज मैं आपके सामने जो तिलहनी फसल लेके आया हूं वो है तिल। सीसेम के बारे में आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे। तिल जिसे सीसेम के नाम से अपन जानते हैं, देखते हैं इसके बारे में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। तो इसका जो वानस्पतिक नाम है वह है सीसेमम इंडिकम। सीसेमम इंडिकम के नाम से जाना जाता है, बोटनिकल नेम इसका सीसेमम इंडिकम है। इसका जो कुल जो है वह पेडिलिएसी है, ये आपको ध्यान रखना है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी फैमिली क्या है, पेडिलिएसी। उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका है, ओरिजिन प्लेस, और गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 20 = 26 इसके अंदर होती है। तो इस केस में इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्लाइड में दो ही आ रहे हैं, इसका वानस्पतिक नाम सीसेमम इंडिकम एंड इसका कुल पेडिलिएसी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देन देखते हैं इसका जो पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस जो होता है उसे अपन रेसिम के नाम से जानते हैं। देन इसका जो फल प्रकार होता है वह कैप्सूल कहलाता है, संपूट कैप्सूल के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये कैप्सूल के अंदर जो है इसके फल का निर्माण होता है, जो आपको बता होना चाहिए एक कैप्सूल के अंदर 50 से 100 जो है बीज होते हैं। परीक्षण बार जो होता है, बीज काफ़ी हल्के होते हैं, 3 ग्राम के आसपास होता है, यानी 1000 बीजों का जो बार है वह 3 ग्राम के आसपास होता है इसका। देन परागण जो होता है इसमें स्व परागण सेल्फ पोलिनेशन इसके अंदर पाया जाता है। देन द्विलिंगी पादप है, मोनोशियस प्लांट है। देन इसे गरीबों का घी कहते हैं, पुअर मेंस घी, ये आपको मालूम होना चाहिए। देन तिलहनी फसलों की रानी के नाम से भी जानते हैं, इट मीन्स द क्वीन ऑफ द ऑयल सीड क्रॉप। तो इस केस में 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट पॉइंट तो ये कि इसका जो फल प्रकार है वह कैप्सूल है। नंबर सेकंड, इसे गरीब मनुष्य का घी कहते हैं, पुअर मेंस घी के नाम से जानते हैं, और तिलहनी फसलों की रानी के रूप में भी इसको जाना जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन आता है इसमें तेल की मात्रा करते हैं, बात करते हैं। तो इसमें जो तेल जो होता है, ऑयल परसेंटेज जो इसमें होता है 46 to 54%, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये एक तिलहनी फसल है तो इसमें तेल परसेंटेज आपको मालूम होना चाहिए। देन बात करते हैं इसमें प्रोटीन की, तो इसमें जो प्रोटीन होती है वो 18 से 20% होती है, ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए, जो ग्लोबुलिन के रूप में होती है जिसमें मेलियोनिन अमीनो अम्ल पाया जाता है। तिल के तेल को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है क्योंकि इसमें सीसेमोल नामक पदार्थ पाया जाता है। सीसेमोल के कारण इसकी जो है मोर टाइम इसको स्टोर किया जा सकता है। इसमें पॉपकॉर्न जैसी खुशबू आती है, एसिटाइल पाइराजिन की वजह से आती है, फ्लेवर जो आता है एसिटाइल पाइराजिन की वजह से होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा तिल की खेती जो होती है भारत के अंदर होती है, और भारत में राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में भी स्पेशली पाली डिस्ट्रिक्ट जो है तिल की खेती के लिए जाना जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो इस स्लाइड में कौन कौन सा पॉइंट है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर फर्स्ट, इसके अंदर कितना परसेंट तेल होता है, तो 46 to 54% इसके अंदर तेल पाया जाता है। देन प्रोटीन कितना होता है, तो 18 से 20% होता है। इसके तेल को अधिक समय तक सुरक्षित किसकी वजह से रख पाते हैं, तो सीसेमोल की वजह से रख पाते हैं। और राजस्थान में इसका उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो वह पाली के अंदर होता है, ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 3 मुख्य जो है तिलहनी फसलें हैं और उनके अंदर कितना परसेंट जो है तेल पाया जाता है और कितना परसेंट उसमें प्रोटीन पाई जाती है। तो मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में जो तेल होता है वह 46% और प्रोटीन जो होती है वह 26% के आसपास होती है। सोयाबीन की बात करें तो इसमें जो है तेल जो होता है 20% काफ़ी इंपॉर्टेंट, और प्रोटीन ज़्यादा होती है तेल की अपेक्षा, 40% इसके अंदर प्रोटीन होती है। और तिल के अंदर जो तेल जो है 46 to 54 और प्रोटीन जो होती है 18 से 20% होती है। तो ये पूरी की पूरी टेबल इन तीनों ही फसलों के केस में आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार इसे आप लगा सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन अपन जो है सीसेम तिल के केक की बात करते हैं, इसकी खली की बात करते हैं, तो तिल की खली के अंदर जो नाइट्रोजन जो होती है वह 6.2 से 6.3%, फॉस्फोरस 2 से 2.5% और पोटास 1.2 से 1.3% पाई जाती है। तो इस स्लाइड के अंदर ये टेबल, इसमें 3 फसलों की आपको तेल और प्रोटीन की मात्रा इसके अंदर ध्यान आपको होनी चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है तिल की कौन कौन सी किस्में हैं, तो तिल का जो बीज होता है या तो काले रंग का,
ब्लैक सीडेड जिसकी एक ही वैरायटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी TA20T, और मोस्ट ऑफ जो मिलता है सफेद सीडेड होता है, सफेद दाना जिसका होता है। तो इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटियां कौन कौन सी, जो एग्जाम के हिसाब से अगर अपन देखें तो TC25 जो ब्रांचिंग टाइप होती है अर्थात जिसमें शाखा युक्त होती है, शाखा पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद प्रताप या C50 काफी इंपॉर्टेंट है, जो नॉन ब्रांचिंग हैबिट की होती है, शाखा रहित होती है, ये भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसमें बात करते हैं RT127 जो सूखा प्रतिरोधी, सूखा ड्रोट रेजिस्टेंस है, ये आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट इसकी वैरायटी है। देन RT351 जो चौगर्दी फलियों वाली अर्थात क्वाड्रिक कैप्सूल इसके अंदर पाई जाती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 4-5 किस्में तिल के केस में आपको याद रखनी जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछी जा सकती है, जिसमें जो आ रही आपकी सबसे पहली TC25 जो शाखा युक्त होती है, देन प्रताप और C50 जो शाखा रहित नॉन ब्रांचिंग टाइप होती है, देन RT127 जो सूखा प्रतिरोधी होती है, देन RT351 जो चौगर्दी फलियों वाली किस्म है और इसका दाना सफेद और 85 दिन में पक जाती है, पौधे के कैप्सूल की संख्या 47 और तेल जो होता है 49% के आसपास पाया जाता है। लेकिन आपको बेसिकली जो मैंने गोला किया है, जो रेड किया है, वो किस्में और उसका पॉइंट्स आपको ध्यान होना चाहिए। देन बढ़ते हैं अपन आगे, आगे आता है इसकी जलवायु कैसी चाहिए इसके कल्टीवेशन के लिए। तो गर्म एवं शुष्क जलवायु, वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तिल सभी तिलहनी फसलों में सूखा सहनशील, जितनी भी तिलहनी फसलें हैं उसमें से सूखे को सहन कर सकती है, या आप कह सकते हो कि सूखा प्रतिरोधी जो किस्म के रूप में फसल जानी जाती है वह आपकी तिल जानी जाती है तिलहनी फसलों में। इसके लिए उपयुक्त तापमान की बात करें तो अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। वृद्धि एवं विकास के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए 27 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता इसको होती है। देन नेक्स्ट वन आता है इसके बुवाई का समय। तो बेसिकली जो तिल जो है ये आपके खरीफ ऋतु की फसल है, बारिश के दिनों में इसकी बुवाई करते हैं अर्थात इसकी जून जुलाई माह में बुवाई कर दी जाती है। देन इसके बीज दर की अपन बात करें तो जो सामान्य नॉर्मल जो सीड रेट है इसकी 3 से 4 किलोग्राम, ये आपको पता होना चाहिए 3 से 4 किलोग्राम इसके नॉर्मल सीड रेट है। शाखा रही जिसमें शाखाएं नहीं होती नॉन ब्रांचिंग वाले की सीड रेट 4 से 5 किलोग्राम, और जिनमें शाखा होती है या ब्रांचिंग हैबिट होती है उनकी सीड रेट 2 से 2.5 किलोग्राम रखी जाती है। देन बढ़ते हैं अपन इसमें आगे, नेक्स्ट वन इसमें ज्यामिति की बात करते हैं तो कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। बुवाई की गहराई ज्यादा नहीं रखते हैं क्योंकि बीज का आकार छोटा होता है, तो 2 से 3 सेंटीमीटर गहरी इसकी बुवाई करते हैं। उर्वरक की बात करते हैं तो नाइट्रोजन 20 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर, फॉस्फोरस 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और आपका जिप्सम जो है इसके केस में यूज करना चाहिए क्योंकि तिल जो है तिलहनी फसल है, ऑयल सीड क्रॉप है, और ऑयल सीड क्रॉप के अंदर आपको पता हो तो मुख्य एलिमेंट सल्फर की आवश्यकता होती है, क्यों, ऑयल के निर्माण के लिए, तो उसमें जो सल्फर और कैल्शियम दोनों आवश्यक होते हैं, तो ये आपके जिप्सम से मिलते हैं, और इसको 250 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है हर 3 साल में एक बार प्रयोग लेना चाहिए तिलहनी फसलों के केस में, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है सिंचाई की बात करें तो इसमें इसकी क्रांतिक अवस्थाओं की बात करें, क्रिटिकल स्टेजेस की बात करें तो वह 2 है, फूल आते समय फ्लोवरिंग स्टेज या फ्लोवरिंग टाइम, फली में दाना बनते समय ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज जो कैप्सूल के अंदर होती है, ये सिंचाई के लिए काफी ज्यादा क्रांतिक मानी गई है। खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो इसमें फ्लूक्लोरेलिन जो है 1 किलोग्राम PPI के रूप में और पेंडेमिथेलिन स्टॉम्प जो है 1 किलोग्राम PE के रूप में काम में ले सकते हैं। उपज जो होती है इसकी 8 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी उपज जो है प्राप्त हो जाती है। देन बात करते हैं संसार में सर्वाधिक खाए जाने वाला तेल कौन सा है, हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ विच ऑयल इन द वर्ल्ड, दैट इज द ऑयल पाम। ऑयल पाम का तेल संसार के अंदर सर्वाधिक खाया जाता है। भारत में सर्वाधिक खाए जाने वाला तेल कौन सा है, मूंगफली का, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के हिसाब से हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ विच ऑयल इन इंडिया, ग्राउंडनट, ये 5 स्टार है। देन संसार में सर्वाधिक शर्करा कौन सी खाई जाती है, तो चुकंदर, हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ विच सुगर इन द वर्ल्ड, दैट इज द सुगर बीट। देन भारत में सर्वाधिक कौन सी शर्करा खाई जाती है, गन्ना की, ये आपके लिए 5 स्टार है। हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ विच सुगर इन इंडिया, दैट इज द सुगर केन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संसार में गन्ने का उत्पादन कहां ज्यादा होता है, तो भारत के अंदर ज्यादा होता है, सुगर केन प्रोडक्शन हाई इन द इंडिया। और चीनी का कटोरा ये सही है, चीनी का कटोरा, बाउल ऑफ सुगर
जो है किसे कहा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो क्यूबा को कहा गया है क्योंकि वहां पे जो है चीनी की उत्पादकता जो है सर्वाधिक होती है, इस वजह से इसको चीनी का कटोरा के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए, जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी बात हो गई तिल के बारे में, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।